प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह। इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग को ये मिलेगी, देखेंगे सुनेंगे, तो ज़रूर इसे शेयर करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब लोगों के लिए ये अच्छा है कि इस वीडियो को ज़रूर सुने। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर अवसर हम सबों को दिया है और हम इसके माध्यम से लोगों के बीच में अच्छे संदेश को देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस समय आप लोग ध्यान से सुने और आखिरी तक बने रहे। मैं एक वीडियो जो क्या कहते हैं डॉक्टर शिव थॉमस की मैंने देखी और उसकी जो ऐसे ऐसे बातें हमने सुनी है जो बेहद हास्यास्पद है और उसका मुख से जो निकला है वो बेहद आश्चर्यचकित करने वाला है, हैरान करने वाला बात है। तो लोगों को स्वयं कंफ्यूज कर रहे हैं और स्वयं भी कंफ्यूज्ड हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर शिव थॉमस को कि आपने तो बहुत अच्छी डिग्री ली। हम लोगों को कहा है कि जितने MMBA के लोग, लीडर पास्टर्स जो भी उसके सब्सक्राइबर्स हैं, सब ग्रामीण इलाके हैं और अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सुनो कि पढ़ा लिखा आप जो बात करते हैं तो मैं उस डिग्री से मैं भी गुजरा हूँ, मेरे पास भी वो डिग्री है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। और आप जानना चाहते हो, मैं स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ, क्लास टू ऑफिसर के बाद क्लास वन। तो मैं वहाँ से रिटायर होकर आया हूँ। मैंने धनराज को और उसकी वीडियो को मैंने देखा और परखा, तब जा कर के MMBA ज्वाइन किया है और जहाँ से हम लोगों को ये शिक्षा मिल रही है। ये डॉक्टर शिव थॉमस, आप सुन लो कि हम गरीब नहीं हैं और आपने कैसे जज कर लिया कि हम सब गरीब हैं और अनपढ़ हैं। आपकी जो पढ़ाई लिखाई है ना, आप थियोलॉजी से डॉक्टर किए हो और इस जो ज्ञान है जो आपने ये हासिल की है वो जो है उस पर आपको घमंड है। जो सर्टिफिकेट मिला है ना वो उसके लिए आप घमंड कर रहे हैं कि मेरे पास डॉक्टर की उपाधि है। ये ऐसा महसूस होता है कि आपने डिग्री की जो ली है वहाँ की बू आ रही है। तो शिव थॉमस, जो आपने किया है ना वो बहुत ही गलत किया है। आपने जो जज किया है वो भी गलत है। इसलिए आपके पास समय है कि वहाँ से बाहर निकलो। और ये जिब्रिश जो बोलते हो ना बिल्कुल गलत है और कहीं से भी आपने प्रूफ नहीं कर पाया कि आप जो है जिब्रिश जो आप साबित करना चाहते हो कि हाँ ये सही है, वो आपने वचन से नहीं दिया, कहीं से भी आपने प्रूफ नहीं कर पाया शिव थॉमस। तो आप जब तक ये वचन से, बाइबल से आप प्रूफ नहीं करते हो तो ये तो गलत है ना। और आज जितनी भी जिब्रिश बोलने वाली जो व्यक्ति हैं, जिब्रिश बोलने वाले जो भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि यथाशीघ्र वहां से बाहर निकले, क्योंकि ये गलत है, ये शैतान की भाषा है। हाँ, आपने ठीक सुना, ये शैतान की भाषा है और यहां से यथाशीघ्र बाहर निकलो, समय है। इसलिए आप जैसे जो आपने ज्ञान हासिल की है ना वो गलत है। आपने कहा है कि लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं। ए भाई, उस किताबें को मनुष्य ने लिखा है और जो वचन की बात करते हैं ना वो परमेश्वर की है और यीशु मसीह की शिक्षा है और जितने 12 चेला लोग हैं उसने ये लिखा है। तो आप कैसे प्रूफ कर रहे हो कि ये गलत है? आपने तो 12 चेलों को भी चैलेंज कर दिया कि 12 चेले भी गलत हैं। तो इसका मतलब आपके कहने के अनुसार, क्योंकि पतरस भी तो अनपढ़ था ना, तो वो कैसे प्रचार किया और उसकी बातों को आप कैसे पढ़ते हो? तो आप साबित कर सकते हो कि हम अनपढ़ हैं या अशिक्षित हैं या गरीब हैं। तो गरीब तो आप हैं जो आपके पास इस तरह के नॉलेज नहीं है। इसलिए आप अपनी वीडियो बनाओ पर ऐसी हरकत मत करो,
आपको दुकान चलाना है चलाओ, पर इस प्रकार की हरकत मत करो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यथाशीघ्र वहाँ से बाहर निकलो या उसमें से सुधरो, नहीं तो आप जैसे लोगों को यीशु मसीह का कहना है कि हाय तुम पर या व्यवस्थकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और ना दूसरों को प्रवेश करने देते हो, ये आपकी हरकत के चलते है। इसलिए लोगों को भी ये भरमाते हो कि जिब्रिस बोलो जिब्रिस बोलो, ये गलत है तो गलत है, यथाशीघ्र वहाँ से बाहर निकलो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य अंत करता हूँ कि इनके हरकत से सब लोग जाने कि जिब्रिस गलत है तो गलत है, और मैं इन्हीं बातों के साथ अपना वक्तव्य अंत करता हूँ। जय मसीह की।